क्यों लाया गया रेगुलेशन में? पहले रेगुलेशन में नहीं था, अभी क्यों आया? क्या रीजन है इसके पीछे? कुछ बुद्धि दिमाग लगता है, इसलिए आया 2017 में। हम लोग 2014 से जब डीडीजी था, हम लोग कोशिश कर रहा था ये सेल्फ रेगुलेशन के पार्ट लाने के लिए, तो अभी ये आया 2017 से। 14 से हम लोग कोशिश करते करते अभी 2017 में आया। तो हमारा कहने का है, अभी क्या ऐसा हुआ माइनिंग फील्ड में जो कि हम लोग को सेल्फ रेगुलेशन के ओर नजर देने पड़ा? व्हाई इट हैज कम इन रेगुलेशन 2017? पहले का रेगुलेशन में था नहीं, इसको नया जोड़ने का क्या जरूरत था? इसमें ड्यूटी ऑफ ओनर करके लिखा है, देखो पहले ड्यूटी ऑफ ओनर में ही नहीं लिखा था। पहला रेगुलेशन अब देखो माइंड करो, देयर इज नो ड्यूटी, ओनर का ड्यूटी बोलकर कहीं कुछ नहीं था। इसमें देखो 104 में कितना में लिखा है ना, ड्यूटी बोल के लिखा है। देखो दो वर्ड देखो, तुम लोग तो माइनिंग पढ़े हो, अभी तो टिक मार करके पास करो, तुम लोग को नॉलेज कुछ नहीं है। ड्यूटी एक होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक होता है, समझिए। देखो असिस्टेंट मैनेजर का क्या लिखा है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। सेफ्टी ऑफिसर में क्या लिखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या, सेफ्टी ऑफिसर इज ऑनली ए एडवाइजरी रोल। कोई एक्सीडेंट होगा, सेफ्टी ऑफिसर को सिक्योर नहीं होगा, कानूनन असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर एजेंट जाएगा, सेफ्टी ऑफिसर वेंटिलेशन में नहीं जाएगा। बिकॉज सेफ्टी ऑफिसर वेंटिलेशन ऑफिसर देखो खाली ड्यूटी लिखा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिखा है। यही सब चीज तो हम लोग फर्स्ट क्लास में पूछते थे क्वेश्चन में, क्योंकि अभी तुम लोग कोई नहीं बोल सकोगे। अभी ठीक है, हम लोग का गलती के लिए एग्जाम में उठ गया, हम लोग का कुछ क्वालिटी ऑफ डिटेरियरेशन इतना हुआ डीडीजी लोग का। हम भी 4 बार फर्स्ट क्लास एग्जाम रहा, सेकेंड क्लास फर्स्ट, 4 बार 5 बार एग्जाम रहा। हमारे पास भी क्या पैर में नहीं पूछता था, ऑल CMDs आर हमारा समय का जो था, थापर साहब था, इसके बाद अशोक मेहता था, सब बहुत वेरी नोन टू मी। वो लोग नहीं बोलते थे कि इधर हमारा लड़का जरा पास करो, लेकिन अभी का सिचुएशन इतना गड़बड़ कर दिया, इसलिए एग्जाम होना ना पड़ा। अरे इसका इम्पैक्ट आएगा फील्ड में, आप देखना फील्ड में ऐसे ऐसे अभी फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास निकलेगा जो डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं जानेगा, जो एक्सीडेंट इंक्वायरी नहीं जानेगा, जो क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं जानेगा, तो किस लिए मैनेजर एजेंट बनेगा? एक मैनेजर को अगर पता नहीं होगा कि 10 आदमी मरने से उसको क्या ड्यूटी है, तो व्हाट टाइप ऑफ मैनेजर ही इज? अभी तो वही मैनेजर आएगा जो लोग टिक मार करके पास करेगा, वो ना एक्सीडेंट इंक्वायरी करने आएगा उसको, ना डिजास्टर मैनेजमेंट आएगा, ना रेस्क्यू रिकवरी आएगा, कुछ नहीं आएगा उसको। तो ये क्या करोगे, अभी का आदत है। तो इसलिए हम लोग पुराना लोग को अभी बहुत काफी रिट्रेनिंग करना पड़ेगा लोगों को, ये खाली से अपनाने से नहीं होगा, हर स्टेज में आदमी को ट्रेनिंग देना होगा। अब बना दिया बहुत अच्छा, ठीक है ना, इसको तो इम्प्लीमेंट करना है, कौन करेगा ना, आप करोगे, कोई तो करेगा नहीं, मैनेजर एजेंट तो करेगा नहीं, करेगा वही फ्रंट लाइन सुपरवाइजर अंडर मैनेजर। तो क्वालिटी ऑफ अंडर मैनेजर एंड क्वालिटी ऑफ फ्रंट लाइन सुपरवाइजर वेरी पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, क्योंकि वही लोग फ्रंट लाइन में रहता है। आप लोग तो बना दिए बहुत अच्छा बना दिए सेफ्टी, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कहाँ है? इंप्लीमेंटेशन देखना पड़ेगा, जबकि रेगुलेशन में लिखा हुआ है बनाना है बढ़िया से एंड इंप्लीमेंट भी करना है। आपको इंप्लीमेंटेशन तक ओनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अभी आप लोग का अच्छा है कि डीजीएमएस वाला को उतना नॉलेज है नहीं, डीजीएमएस वाला भी सोलह सारा लोग सब गुरु को आ गया है, किसी को कुछ नॉलेज है नहीं। हम लोग अपित रहता तब आपको पता चलता, ये रेगुलेशन में ड्यूटी ऑफ ओनर करके आया है, एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम ड्यूटीज में उसको गला पकड़ सकता, प्रोसिक्यूशन हो सकता ओनर, ड्यूटी कभी नहीं था ओनर का। इसका पहले क्या था 18(1)(2)(3)(4), उसमें ओनर के बारे में कुछ लिखा है, 18 सेक्शन 18 पढ़ोगे एक्ट का, क्योंकि हम लोग तो हम सबसे ज्यादा प्रोसिक्यूशन हम ही किया था डीजी में, क्योंकि गया था इस सब माइंड से, हमको सब पता था, अंडरग्राउंड को तो मास्टर था हम लोग, उसके बाद ओपन कास्ट का सब मशीनरी के बारे में सीखा था, खरे खरे होकर सीखा था। बीआर रेड्डी एक आदमी CMD ACCL था, ही वाज मेरा एजेंट था, हम जब नागपुर में गया उसका वहां पर ड्रैगलाइन एक्सपर्ट माना जाता था, WCL का ड्रैगलाइन एक्सपर्ट। तो एक दिन उसका माइंड में गया, तो उसको सारा शिफ्ट बींग डायरेक्टर माइंड सेफ्टी, हम सारा दिन उसके पास रहा, बोला हम सीखेंगे ड्रैगलाइन तुम्हारे पास, देखा काम करो। उसके बाद हुआ उसको सीखा ड्रैगलाइन,
उसका परमिशन देखा, परमिशन में कुछ कमी था, बोला ये सब कैसे करोगे तुम। मैं कहे तो सर कोई बोला नहीं, अभी तक तो कोई बोलता नहीं, ऐसा क्वेश्चन हम जो बोलते हैं। तो हम बोले कैसे करोगे तुम बताओ, नहीं कर पा रहा है, बोले तो लगाओ परमिशन कंडीशन रिव्यू कर दिया। उसका परमिशन का कंडीशन हम रिव्यू किया 2003 में, और वैसा रिविजन टोटल नॉर्दर्न गोल्ड फील्ड में ना परमिशन के हिसाब से चलता है, समझा। इसीलिए हम बोलते हैं आजकल का दिन में पढ़ाने का, ट्रेनिंग देने का सिस्टम ही बदलना पड़ेगा। एक वीडियो में इनको आते आते दिखा रहा था, एक अमेरिका का वीडियो है, अमेरिका का बोलता है टीचिंग स्कूल में, एक स्कूल में छोटा बहुत बोलता है, ये थोड़ा SMP का बाहर बोलता है, मतलब आजकल के दिन में आदमी को टीचिंग कैसा चाहिए और टीचर लोग कैसा चाहिए, मतलब व्हाट टाइप ऑफ टीचिंग एंड व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग आर रिक्वायर्ड फॉर स्किल डेवलपमेंट, क्या चाहिए। आजकल का दिन में कंप्यूटर आपके पास आ गया, गूगल है, कुछ भी चीज जो चाहिए गूगल में मालूम मिल जाएगा, आपको याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। कॉलेज में जो पढ़ाता है क्या पढ़ाता है, आपको दे देगा भाई ये 10 क्वेश्चन से आएगा, उसमें 4 क्वेश्चन आएगा, आप 4 क्वेश्चन उसी 10 सिलेबस से पढ़ के गया लिख दिया तो कंप्यूटर तो कर देगा आपको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया ना कंप्यूटर में आजकल, तो अभी हम लोग जो याद करके उतरते थे खाता में वो जरूरत नहीं है आज के दिन में। बस समझ रहे क्या बोल रहे हैं, समझ रहे पुराना वाला जिसे खाली कर रखे, इधर आओ पीछे, मतलब यू आर नॉट इंटरेस्टेड, इधर आओ पीछे वाला आ जाओ इधर। अभी का दिन में क्या जरूरत है, आगे आओ आगे खाली है, मतलब तुम लोग पीछे बैठते, मतलब भागने का इरादा है, साला इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ बैठो। हेलो, आज का दिन में क्रैमी याद करना जरूरत नहीं है, याद करने के लिए आपके पास ये सब है, कंप्यूटर है, ये हुआ है। आज के दिन में जरूरत तब क्या है, क्या जरूरत है मतलब बुद्धि करने, जरूरत क्या है। आज का दिन में मान लो एक आदमी को गूगल ज्यादा पैसा दे के लेगा, ठीक है, इंफोसिस ज्यादा पैसा देके लेगा, ATCS ज्यादा पैसा देगा, नॉर्मल से ज्यादा पैसा किसको देगा, जिसके पास क्रिएटिव आइडिया, जिसको फीस कुछ नया चीज करने का जिसको इच्छा है, क्रिएटिविटी इनोवेशन R&D एक ऐसा करो कि तुम्हारा सिस्टम को माने तुम्हारा कोई डिफिकल्टी है उसको सॉल्व कर सके नया, तो इस तरह का आज का दिन जरूरत। जो पढ़ के आए हो उसका कुछ जरूरत नहीं है, अभी जरूरत है कि अभी का सिचुएशन में तुम उस पढ़ाई को क्या यूज में लगा रहे हो, बस मुझे व्हाट आई एम टेलिंग। हमारे साथ इतना DDG डायरेक्टर रिटायर किया, ठीक है ना, लेकिन कोई फील्ड में आके पढ़ता नहीं है क्योंकि पुराना ख्याल का है, वो जरूरत नहीं है आज का दिन में। आज का दिन में जरूरत है नया चीज, अभी तक आप जो करके आए हो वैसा ही अगर करोगे तो अभी तक जो मिला उतना ही वो MS मिलेगा। आपको अगर कुछ फेनोमेनल चेंज करना है, अभी OMS मान लो 4-5 मिल रहा है, उसको आप 10 मांगोगे तो यू हैव टू चेंज द मेथड ऑफ डूइंग थिंग्स, मेथड ऑफ डूइंग थिंग्स चेंज करना पड़ेगा। जो अभी कर रहे हो उससे नहीं होगा, समथिंग न्यू, समथिंग जो अभी तक नहीं हुआ है वो चीज आपको करना पड़ेगा, इनोवेशन क्रिएटिविटी, ये चीज आजकल हमें नहीं है वो लाना पड़ेगा आपको अगर कुछ करना है नया चीज। ये भी एक तो नया इनोवेशन है ना, हम लोग माइंड में जिसको बनाते हैं कर, पहला तो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम लाने का ये जरूरत पड़ा कि माइंड वाइज कंडीशन आर डिफरेंट, मैकेनिज्म आर डिफरेंट, सो डेंजर्स आर डिफरेंट। रेगुलेशन में एक ही बोर्ड एंड पिलर, अभी भी बोर्ड एंड पिलर लिखा हुआ है, लॉन्ग वॉल का थोड़ा सा लिखा है, बाकी कोई हाई वॉल का नहीं है, सरफेस माइनर का नहीं है, कंट्रोल माइनर का नहीं है, इसलिए सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान लाना जरूरत है कि आजकल जिस रेट से मैकेनाइजेशन हो रहा है उस रेट से रेगुलेशन चेंज नहीं होता है, इसलिए मैकेनाइजेशन जो करता है उसी के ऊपर थोप दो, तुम ही बनाओ अपना रेगुलेशन, तुम ही अपना फॉलो करो, समझ गया। दिस इज सेल्फ रेगुलेशन का है। अब DGMS करके ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा, इसी में थोड़ा हेर फेर करते हैं बस, और वैसे भी DGMS का भी कोई नॉलेज है ही नहीं, जो लोग आया है
सब मोस्टली नॉन कोल से आया है या सिंगरन से आया है। पहले कोल इंडिया का जाता था क्योंकि पहले कोल इंडिया का सैलरी कम था, अभी कोल इंडिया का सैलरी इतना बढ़ा दिया कि कोल इंडिया वाला डीजीएम को जाता नहीं है। इसलिए अभी कोयला वाला का नॉलेज वाला आदमी डीजीएम में कोई है नहीं। इवन अभी जो डीजी है वो भी मेरा अंडर में काम किया है, और राज कुमार भी डिप्टी डायरेक्टर था मेरा। ये तो अभी जो डीजी है उज्जवलता नेक्स्ट डीजी होगा, ये भी डर के आराम से बात नहीं करता है, जानता नहीं है ना, काम किया नहीं ना। जब तक काम आप नहीं करोगे ना, तब तक आप किताबी पढ़ाई से कुछ होने वाला नहीं है। किताबी पढ़ाई माइनिंग में कुछ नहीं होता है। जब तक आज खटोगे नहीं, हार्ड वर्क नहीं करोगे, तब तक माइनिंग में कोई वजूद नहीं है आपका। इसीलिए सेफ्टी मैनेजमेंट लाने पड़ा, क्योंकि सेकंड सेफ्टी मैनेजमेंट लाने का कारण है कॉन्ट्रेक्टर एक्टिविटी बढ़ रहा है। अभी आप प्रोडक्शन कर रहे 20% एंड दे आर प्रोड्यूसिंग 70-80%। कॉन्ट्रेक्टर वाला कोई है क्या यहाँ पर? आया है कॉन्ट्रेक्टर वाला यहाँ पर? नहीं आया। उसको इंचार्ज को बुला, बुलाए उसका एक उसका भी जानने का जरूरत है। तो बुला जो है इंचार्ज जो बुला या खाना खाने का समय बुला, अभी लोग को कुछ आदमी को बुलाना चाहिए था, क्योंकि दे आर आज के दिन में प्रोडक्शन वही लोग ज्यादा कर रहे हैं। उन लोग को भी समझना चाहिए सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान क्या है, क्या उसको जरूरत है, और आज के दिन में वो भी ओनर है। 2017 का हिसाब से दे आर ऑल्सो सब ओनर। आप प्राइम ओनर है आपका ओनर, उसका ओनर भी सब ओनर है। उसका वो आदमी मरता है तो उसका ओनर को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। ये सब चीज के लिए आपको सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान लाना पड़ा। आजकल एमडीओ कॉन्सेप्ट आ गया। एमडीओ कॉन्सेप्ट में पूरा मोटा मोटी वही बेसिकली ओनर है, आपको खाली 1% दे देगा पैसा। तो इसलिए दे शुड नो, दे शुड अंडरस्टैंड सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। समझे फादर साहब क्या बोल रहे हैं? इसीलिए उसको बोलो, बुलाते हैं, पूछते हैं, उसको इंटरेस्ट ज्यादा लेना पड़ेगा। अच्छा अभी इसको तो आप लोग बनाए, इसको छोड़ दो, हमारे को जो चार्टो निकालो तो थोड़ा थोड़ा जो फंडामेंटल एसएमपी समझा देते हैं आपको। निकालो इसमें कोई एक निकालो ना, हम बता देना फिर कोई एक निकालो फिर हम दिखाते उसके बारे में। 3-4 है दिखाओ। हाँ ठीक है, इसमें दो ठो आता है रिक्स एंड हजार। व्हाट इज द डिफरेंस? रिक्स और हजार में डिफरेंस क्या है बताओ? असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर यंग ग्रेजुएट, तुम ग्रेजुएट हो कहाँ का? एनआईटी वीएनआईटी मुत्र जब पढ़ा है, कौन बैच में निकला? 15 में मुत्र जो था, अभी रिटर्न किया मुत्र। मुत्र जब हम उधर काम देता था, हम आई वाज डायरेक्टर माय सेफ्टी देयर, मुत्र जब होता था, मुत्र जब था और कौन कौन था तुम्हारे बोलो? छोटे था और कौन था? हम दो तीन बार गया भी है, क्लास नहीं लिया है क्या तुमने? उन्हें क्या मुत्र जब वन ऑफ माई अच्छा फ्रेंड था, वो ये किसका है? रायपुर का है, रायपुर का 80-81 बैच, वही हमारे आस पास बैच है, रिटर्न कर गया, रिटर्न कर। अच्छा एक राव भी वो भी पढ़ा है तुमको, एक राव बोल के था, क्या राव नहीं पढ़ा है? वो भी एसएमएस में काम कर रहा है। हाँ वो पहले एचओडी थे हमारे, एचओडी था तुम लोग को आने के पहले था, वो भी हमका नोन है। अच्छा और ग्रेजुएट तुम नहीं है, तुम अकेला है यहाँ पर दिख रहे हैं हम, क्या सब ग्रेजुएट ही है तुमका? मुनिम हम अभी। अच्छा क्या शिप में करते हो ना? जनरल शिप में है, फर्स्ट क्लास कर लिया? कब किया फर्स्ट क्लास? क्या हो गया सुनिए, पहले क्या होता था, जब फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का होता था, डीडीजी लोग को 3-4 डीडीजी को बोला जाता था, 6-6 क्वेश्चन भेजो, ठीक है? तो आप डीडीजी लोग देखिए फील्ड में काम करते हैं, डीडीजी वो लोग क्वेश्चन करते थे, उसे लॉटरी करके 6-8 को दे देता था, सिस्टम ये था। अब जब से ये हो गया गंडोगोल ये डीडीजी लोग का, तब अभी क्या किया दिया, अभी आईएसएम करता है, आईआईटी करता है, ये सब प्रोफेसर को दे दिया। अभी
उन्हें एग्जाम का कुछ काम ही नहीं है, खाली वो लोग को दे देता है एग्जाम, खाली होल्ड करता है, वो भी एग्जाम होल्ड करने के लिए भी कोई टीसीएस की खुद से उसको भाड़ा ले लेता है, समझ गया, उसके पास एक क्वेश्चन बैंक दे देता है डीजीएमएस का भी पास होते हैं, क्वेश्चन बैंक तो रहेगा डीजीएमएस के पास, लेकिन मेनली वो क्वेश्चन बैंक तो बनाता है आईआईटी आईएसएम सब मिलकर, ठीक है, किताबी। उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक दे देगा टीसीएस को, टीसीएस वाला को सेंटर लगा देगा, आपको बोल देगा ये सेंटर में आप आ जाओ। उसके बाद वही क्वेश्चन बैंक घूम घूम के आपके पास आएगा, समझ गया है? तो बगल वाला लड़का भी देख के अगर याद रखेगा ये नंबर, पहले नंबर क्वेश्चन पढ़ ले, इसके पास एक नंबर क्वेश्चन जो आएगा इसके पास तीन नंबर में आएगा मान लीजिए, तो इसका अगर याद है आपको ये पूछा गया एक नंबर थोड़ा रुकेगा, बगल वाले को पूछ ले सकता है, पूछ के रख लेंगे। इसीलिए अभी का क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन इतना होगा। और प्लस क्या है, माइनिंग में किताबी पढ़ाई और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हेवन एंड हेल डिफरेंस है। किताब पढ़ाई का कितना यूज करते हो आप लोग, हाउ मच परसेंटेज यू आर यूजिंग, अगर डॉक्टरेट भी तुम पढ़ा है उसका कितना तुम लॉन्ग ऑल में काम कर रहे हो, लॉन्ग ऑल में क्रिप पूछेगा किसी को, क्रिप क्या होता है, लॉन्ग ऑल जो पढ़ाता है लोग पूछो तो प्रोफेसर को क्रिप क्या होता है बता पाएगा, तो पढ़ने की क्या जरूरत पड़ा। हम तो तीन बार आईआईटी में लेक्चर देने जाता था, आयोजन डायरेक्टर महेश रांची तीन बार आईआईटी खड़गपुर गया था, दो प्रोफेसर मेरे दोस्त था, वो लोग बोलते बाबा तुम आ गए, हम टॉपर था, हमारे पीछे वो लोग रिजल्ट करता था, वो लोग दोनों प्रोफेसर था, अभी एक समीर दास बोल के है, अभी भी ऐसा है लॉन्ग वॉल के, और एक प्रोफेसर था मेरा बैच के ही था, तो हमको बोलता था दत्ता तू आ जा, तू एक क्लास ले ले, हम लोग स्टूडेंट लोग को थोड़ा एमटेक डॉक्टर वाले को तेरे सिखा दे। तो पहला टाइम रांची से हम गया समझे 1999 थप्पर सब था वहाँ, तो हम गया आईआईटी खड़गपुर, तो हमको बोलता है टॉपिक क्या देगा, तो टॉपिक हम लिखा है सस्टेनेबिलिटी माइनिंग ऑपरेशन, ठीक है समझे सस्टेनेबिलिटी। उसमें हम पहले उनको तर्क दिया कि व्हाट इज सेफ्टी, व्हाट इज ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी, बताओ क्या है, किसी को मालूम है सेफ्टी से सस्टेनेबिलिटी का क्या कनेक्शन है, बताओ क्या कनेक्शन है, दिखता है कोई कनेक्शन, डू यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी, कुछ है क्या, आप बोलोगे नहीं है, मैंने आपको रफ इमेज अगर लोगे तो आप बोलोगे नहीं है, सेफ्टी सस्टेनेबिलिटी क्या चीज है, कुछ नहीं है, लेकिन इंटरनल अगर आप सोचो सेफ्टी अगर आप बहुत दिन से नेग्लेक्ट किया देन ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड्स विल कम। जैसे डस्ट मान लो आप रोका नहीं, डस्ट 3-4 mg/m³ कंटिन्यू हुआ, ऑटोमेटिक वहां पर जो एनवायरनमेंट पर्सन है उसका डस्ट हैजर्ड हो जाएगा। नॉइज अगर आप 100 decibel पे ज्यादा रख दिया, उसने ज्यादा काम करा आदमी, जैसे क्रशर में हो किसी में हो जहां पर नॉइज 100 decibel है, उसमें अगर कंटिन्यूस आदमी को आप एक्सपोजर किया तो उसको नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस होगा। दे आर ऑल ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड्स। अब दैट मींस सेफ्टी अगर तुम ठीक से नहीं रखा ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड्स हो गया। अब ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड इज ए इरिवर्सिबल डिजीज, उसको तुम खत्म नहीं कर सकते, जिसको हो गया हो गया, उसको पैसा देना पड़ेगा, उसको रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा, ठीक है, इनकैपेसिटी हो जाएगा उसको, तो इनकैपेसिटी इज परमानेंट डिसऑर्डर। तब परमानेंट डिसऑर्डर कर रहे हो तो जब तुम 2-4-10 आदमी आपका माइंड में जब ऐसा हो जाएगा तो आपका माइंड को चलने देगा बगल बगल गांव, इट इज सिंपली नहीं चलने देगा आपको, बगल वाले गांव आके मत करने देगा। तो इट इज ऑल इन अराउंड सेफ्टी। आप सोचते हो सेफ्टी से इंटरलिंक नहीं है, बट इट इज टोटली कनेक्टेड विद सेफ्टी। अगर शुरू में सेफ्टी को ठीक रख दिया तो ना आपको पर्सन हेल्थ हैजर्ड होगा ना तुम्हारा सस्टेनेबिलिटी रोकेगा, समझे। ये सब चीज हम पढ़ाते हैं जो किताब में नहीं लिखता है, तो ये सब चीज पढ़ाना पड़ेगा लोगों को, तब लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पढ़ाना है, तो ये सब चीज जरूरत है आज का दिन में। जब तक ये सब चीज नहीं जानोगे
किताब में लिखा हुआ चीज याद करके उगल दोगे, वो चीज जरूरत नहीं है आज का दिन में। आज का दिन में जरूरत ये है जो कोई भी नहीं सोचा है उसे आप सोचो और वो करके दिखाओ, वो कोई नहीं किया है, तब जाके आपको लोग प्रेस्टीज देगा, तब जाके आपको इज्जत होगा। समझिए बात। अच्छा अब देखो इसमें बोलता है रिक्स एंड हैजर्ड, डिफरेंस क्या है, हैजर्ड रिक्स अंतर क्या है, मालूम है डेफिनेशन, मालूम है इतना भाई आप बोलिए भाई, सबको जानते हैं रिस्क क्या है, नहीं जानता है ना, अरे वो खाली नहीं जानता, मालूम है सर, इसीलिए हम लिखा है इसमें ना, हम तो यही सब चीज पूछता है, जो जो चीज कोई नहीं पूछता हम वही चीज पूछता है, समझा, इसीलिए तो हमको लोग को बोलता है आप यूनिक आदमी है, यूनिक आदमी होना पड़ेगा दुनिया में, अगर कुछ करना है यू हैव टू बी यूनिक, हम इसीलिए बोलते हैं भगवान हैज गिवन यू ए फिंगरप्रिंट, भगवान आपको एक यूनिक फिंगरप्रिंट दिया है ना, वो फिंगरप्रिंट आपका हमारा तो नहीं है, उसका भी नहीं है, यू हैव गॉट ए यूनिक फिंगरप्रिंट फ्रॉम भगवान, तो भगवान को आपने कुछ यूनिक दिया है, यू हैव टू गिव बैक ए यूनिक टू गॉड, If you have given something unique to God, that is a gift to God. वही भगवान के पास गिफ्ट है अगर आप यूनिक गॉड को दिए, बिकॉज गॉड आपको यूनिक बनाया, आपको हम बेस्ट होने नहीं बोलते हैं, नो वन इज बेस्ट, नो वन इज वर्स्ट, बट समबडी कैन बी यूनिक, वो यूनिकनेस ही आपको महान बनाया, बस समझिए ना, Nobody can be best. आप सोचोगे हम बेस्ट है, लेकिन जब इसके पास काम लेके जाओ आप बेस्ट नहीं, आपके भी अच्छा हो सकता है, ये बोलते हैं, ठीक है ना, बिकॉज बेस्ट इज डिमार्केटेड बाय द पर्सन अदर देन यू, आप बोलोगे बेस्ट है, हम बोलते जब बेस्ट कर लिया, आपका हिसाब से बेस्ट है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते परफेक्शन, हम पूरा परफेक्ट है बोलोगे, इनके पास जाएगा वो नहीं 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 इससे भी और अच्छा हो सकता है, दैट मीन्स परफेक्शन एंड बेस्ट कुछ चीज नहीं होता है, आइंस्टाइन क्या बोलता है, देयर इज ओनली रिलेटिव ब्यूटी, आप इससे अच्छा हो आप इससे बुरा हो, यही हम बोल सकते हैं, देयर इज नो बेस्ट एंड देयर इज नो वर्स्ट, इट इज ओनली रिलेटिव, समझा, इसीलिए आप रिलेटिविटी में ऑलवेज हो, बेस्ट कभी भी नहीं हो सकते, वर्स्ट भी कभी नहीं हो सकते, बट आप यूनिक हो सकते, इसीलिए यू वुड ट्राई टू बी यूनिक, तभी आप महान बन सकते हो, क्योंकि बेस्ट बनना सबके बराबर करना संभव नहीं है, एवरीबॉडी कैनॉट बी बेस्ट, एवरीबॉडी कैनॉट बी फर्स्ट, एवरीबॉडी कैनॉट बी लास्ट, इसीलिए हम बोलते हैं ना सीएमडी एक ही बनाया, डीटी चार ही बनाया, ठीक है ना, लेकिन एवरेज मैन तो बहुत बनाया, इसलिए हम बोलते हैं भगवान ने सीएमडी एक ही बनाया, डीटी मान लो चार बनाया, लेकिन एवरेज आदमी तो बहुत बनाया, तो इसीलिए हम बोलते हैं गॉड लाइक्स एवरेज पीपल टू बिकम यूनिक, गॉड डजंट लाइक दिस सीएमडी बने डीटी बने, उसको भगवान लाइक नहीं करता है, सीएमडी डीटी बनने के बाद भी उनको प्रॉब्लम है, घर का प्रॉब्लम होगा, नौकरी का प्रॉब्लम होगा, दुनिया भर का प्रॉब्लम होगा, लेकिन एवरेज आदमी इसमें कुछ सुखी भी है कुछ दुखी भी है, समझिए ना, लेकिन इसमें कुछ सुखी आदमी है, somebody is happy here, but there is no happy on the top, there is no happy on the bottom, but there is somebody happy in middle, इसीलिए भगवान बोलता है भगवान का एवरेज आदमी प्यारा है, भगवान को फर्स्ट भी प्यारा नहीं है, लास्ट भी प्यारा नहीं है, भगवान का प्यारा है एवरेज, इसलिए वो एवरेज आदमी ज्यादा बनाया, समझे, क्यों बनाया एवरेज आदमी की जरूरत भी ज्यादा है, बिकॉज काम कौन करेगा, एवरेज आदमी करेगा, सीएमडी डीटी एजेंट जीएम करेगा नहीं, काम करेगा कौन, एवरेज आदमी करेगा, इसलिए एवरेज आदमी की ज्यादा जरूरत है इंडस्ट्री में, कोई भी जगह जरूरत, इसलिए भगवान ने एवरेज आदमी ज्यादा बनाया, सबका पीछे कारण है, अगर वो कारण आप समझ गया रीजनिंग, तब आप अच्छा आदमी हो गया, अब रीजनिंग नहीं समझा तो यू आर नॉट ए गुड ह्यूमन बीइंग, समझ में आया, पहले से क्या बोला, ये सब चीज आपको पढ़ाएगा नहीं, कोई सिखाएगा नहीं, लेकिन हम ये सब बोलता है, दीज आर द थिंग्स विल मेक यू ए गुड ह्यूमन बीइंग,
पहले आप अच्छा आदमी बनो ना, बाकी सब चीज तो अच्छा हो जाएगा। हम लोग तो खुद ही अच्छा नहीं है, दूसरे को अच्छा करने से चलते हैं। खुद तो अच्छा हो, देवी जी क्या बोलता है, खुद सोचो ना, खुद को खुद एस्टिमेट करो, क्योंकि खुद जानते हो आप क्या गलती कल की हो। हम देखने नहीं आया और हर समय आपका बहुत साथ में नहीं रहता है। व्हाट मिस्टेक यू हैव डन यस्टरडे यू नो बेटर देन ऑल अदर्स। सो आपको घर में बैठ के सब रात में जो अच्छा आदमी होता है खुद को इंट्रोस्पेक्शन करता है कि क्या चीज काल हमने गलती किया था, क्या उसको क्या आउटपुट सुधार सकते थे क्या। अगर आप डेली एक घंटे इंट्रोस्पेक्शन करोगे, देखोगे आज से काल आप 1% सुधर जाओगे, उसके आगे दिन और 2% सुधर जाओगे, उसके बाद देखोगे एक साल में 300% सुधर गया। लोग ही बोलेगा कि अब दूसरा क्यों बन गए, किसी के कंपटीशन करके आप तरक्की कर नहीं सकते। हम लोग सोचते हैं ना इससे कॉम्पीट करके हम अच्छे आदमी बनेंगे, नहीं कर सकते, बिकॉज टू थिंग्स आर डिफरेंट। दो आदमी में दो तरह का प्रॉब्लम है, इसका एज अलग है, इसका एज अलग है, इसका फैमिली प्रॉब्लम अलग है, इसका फैमिली प्रॉब्लम अलग है। हो सकता है दोनों मैनेजर ही है, लेकिन बगल बगल माइंड का है तो उस माइंड का कंडीशन अलग है, इसका माइंड का कंडीशन अलग है। जब दो माइंड का कंडीशन अलग है तो दोनों कॉम्पिटिशन कैसे करेगा, कैसे करेगा। दो डिसिमिलर थिंग कैन नॉट बी कंपेयर, सिमिलर थिंग होगा तब ना कंपेयर करोगे। तो इसलिए एक बार बड़ा बड़ा महान आदमी को किताब पढ़ो, खुद बोलता है खुद से खुद कॉम्पीट करो, खुद से खुद कॉम्पीट करो। इसका कॉम्पीट करने का एक ही तरीका है, फिर हमको समझाते हैं, फिर मैनेजमेंट का वो चीज है। जितना नीचे काम करोगे उतना टेक्निकल चीज ज्यादा तुमको जरूरत पड़ेगा। जैसे आप शिफ्ट अंडर मैनेजर है उसको टेक्निकल चीज ज्यादा जरूरत पड़ेगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाओगे मैनेजर तो थोड़ा सा टेक्निकल कम हो गया, ह्यूमन मैनेजमेंट आ गया, ह्यूमन मैनेजमेंट के बाद अब एजेंट होगा, फिर ह्यूमन मैनेजमेंट बढ़ जाए टेक्निकल आउट कम जाएगा, फिर जीएम हो जाए आउट टेक्निकल कम गया, ह्यूमन मैनेजमेंट एंड पेरिफेरल मैनेजमेंट। पेरिफेरल मतलब बीजीएमएस देखो, बाहर देखो, बाहर का आदमी लोग को देखना, वो बढ़ गया। उसके बाद फिर जीएम से जो टीटी होगा उसको क्या काम है, उसको काम हो जाएगा सब्जेक्टिव, मतलब सब्जेक्टिव मतलब क्या, इस कंपनी इस बार कितना प्रॉफिट किया, अगला बार मनी मिनिस्टर बोलेगा इतना प्रॉफिट आपको करना है, तो वो कहां पर कोयला बेचेगा, क्या करेगा, उसको मैंने और सब्जेक्टिव डिसीजन उसको देना है, उसको टेक्निकल की जरूरत है नहीं, ह्यूमन मैनेजमेंट में ज्यादा जरूरत नहीं है, उसको जरूरत हो जाती है सब्जेक्टिव नॉलेज। सब्जेक्टिव नॉलेज जिसको ज्यादा जरूरत पड़ता है उसको सैलरी और प्रॉफिट ज्यादा होता है, क्योंकि उसको डिफिकल्टी ज्यादा होता है सब्जेक्टिव नॉलेज से प्लानिंग करने के लिए प्रॉब्लम होता है, इसीलिए उसको सैलरी नॉर्मली ज्यादा दिया जाता है। प्राइवेट कंपनी में तो बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए अभी क्या है, आप लोग जैसे नीचे में टेक्निकल काम करते हो तो आप रिपीटेशन ऑफ जॉब करते हो, आज भी जो करके आया कल भी वही करना पड़ेगा, परसों भी वही करना पड़ेगा, सिमिलर चीज रहता है, रिपीटेशन रहता है। तो आप अगर रिपीटेशन जॉब कर रहे हो तो खुद को खुद रात में असेस करके बोलो हम क्या सुधार सकते हैं, खुद को, खुद का अगर 1% भी डेली सुधारो तो आप देखोगे साल में 300% सुधार जाए। और टेक्निकल चीज में तुम रिपीट करते हो बार बार, तुम सोच कर देखो कल भी जो काम किया था परसों भी वो काम किया था, आज क्लास कर रहे हो ठीक आज अलग है, लेकिन टेक्निकल काम रिपीटेशन ही होता है। उसके बाद जब ह्यूमन आ गया थोड़ा सा अलग आ गया, फिर जब सब्जेक्टिव आ गया तब फिर रिपीटेशन, नया काम आ रहा है सब्जेक्टिव में, नया चीज आपको करना हो रहा है, क्रिएटिविटी उसमें जरूरत है। अब रिक्स और हैजर्ड में अंतर ही है, तू लोग तो बताएगा नहीं, चुप करेगा मुंह करके चुप रहेगा। रिक्स मतलब है कि छोटा, जैसे रिक्स लेते हो रोड पार करने में, अब जा 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 जा, जा। ठीक आप आओ, ठीक है खाना खाने के तुम आओगे ना, बोले हैं सर उनको वो जो कॉन्ट्रैक्टर वाला, अच्छा वो आप आओगे, आप आओगे लंच में रहेंगे वहां, लंच में आप रहोगे ना, ठीक है ठीक आओ, ठीक है। तब रिक्स मतलब है जैसे आप मान लो एक ट्रेवलिंग रोड से आप जाते हो, ठीक है ना, ट्रेवलिंग रोड से जाते हो, मान लो बगल में कहीं पर फेंसिंग नहीं किया, आदमी घुस गया पेशाब करने साइड पर हो तो गिर गया, वो भी एक तो रिक्स है, ठीक है ना, फेंसिंग नहीं किया, हम लोग देखे बहुत होता है ऐसे एक्सीडेंट, फेंसिंग नहीं हुआ, ओल्ड वर्किंग कनेक्ट है, चला गया पेशाब करने साइड गिर के चोट लग गया। तो ये सब छोटा मोटा रिक्स का जो होता है, इसको जिसमें एक आदमी दो आदमी मरता है
उसको हम लोग बोलते हैं रिक्स, मतलब छोटा रिक्स है, मतलब छोटा क्वांटिटी का अमाउंट रिक्स लेते हो जो उसको बोलते हैं रिक्स। हैजार्ड मतलब यह है जिसमें 10 आदमी 20 आदमी 4 आदमी के ज़्यादा मर सकता है, जैसे स्ट्रोक फेल्यूर हो गया, रूट फॉल हो गया बड़ा, जंक्शन फॉल हो गया, इस सब पोटेंशियलिटी ज़्यादा है। तो फिर ये लिखा है इसमें, इसके बाद देखो पीछे नीचे उठाओ, तो नीचे उठाओ बेटा, नीचे उठाओ, क्या है भैया डैमेज टू प्रॉपर्टी से होता है रिक्स, उसके बाद बोलो अच्छा डिफरेंट लिस्ट का लिखा हुआ है हजार लिस्ट में। देखो एक चीज अभी नया हमें ऐड किया है, साइकोलॉजिकल हजार, ये पहले नहीं आता है आज के दिन में, साइकोलॉजिकल हजार में जो स्ट्रेस स्ट्रेन जो होता है। आजकल हम नौ मूल्य में एक स्टडी किया था 95-96 में, नौ मूल्य टाटा का बहुत अच्छा महीने, नाम तो सुना होगा, हमारा समय में भी उस समय 22,000 टन करता था डेली, अभी तो 40,000 करता है। उस समय में हम एक स्टडी किया था, उसमें हम देखा था ऑक्यूपेशनल हेल्थ का एक स्टडी किया था हम, उस समय हम देखा था एजेंट मैनेजर को हाइपरटेंशन हो जाता है 3-4 साल में, इसके बाद तुम्हारा सोबेल ऑपरेटर को डायबिटिक हो जाता है, एक ही जगह बैठ के करता है, इसके बाद डंपर ऑपरेटर को भी हाइपरटेंशन होता है, और ये सब चीज हम उसमें 3-4 साल का ऑक्यूपेशनल हेल्थ स्टडी से निकाला था, उसका पेपर लिखा था एक, उसके बाद वो प्रेजेंट करने हम लोग जा नहीं पाए 1995-96 पेपर था, ऑक्यूपेशनल हेल्थ पर इंटरनेशनल सेमिनार था दिल्ली में। तो ऐसा देखो करोगे ना तुमको कुछ ना कुछ मिलेगा ही, तो इसलिए साइकोलॉजिकल हैजर्ड आज का दिन बहुत बड़ा बात है। कोई इंक्वायरी में आता नहीं है साइकोलॉजी, आपको किस साइकोलॉजी से आप घर से निकला, ऑफिस में कैसे आप आया, किस सिचुएशन में आपका दिमाग में क्या चल रहा है, वो कोई तो पूछता नहीं है, देखता भी नहीं है, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस आपका काम में बहुत होता है, लेकिन डू यू एग्री ऑर नॉट, लेकिन वो चीज कोई पूछता नहीं है, कोई जानता नहीं है, एक्सीडेंट कोई पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन दैट इज ऑलवेज राइट। सेकेंड थिंग है हम लोग बोलते हैं बिहेवियर, आदमी का बिहेवियर से एक्सीडेंट कनेक्टेड है। बिहेवियर कैसा है, स्किल, बिहेवियर स्किल से आता है। आदमी को अगर बढ़िया ट्रेनिंग नहीं दो, बढ़िया स्किल नहीं दो, उसका बिहेवियर खराब है, देखोगे बार बार एक्सीडेंट है, ठीक है। एक आदमी का अगर स्किल है और उतना अलर्ट है तो देखोगे उसका एक्सीडेंट नहीं होगा। तो इसलिए बिहेवियरल ट्रेट आदमी को चेंज करने के लिए सिखाना पड़ेगा, बिकॉज एक्सीडेंट इज रिलेटेड टू, आज का दिन में लार्जली रिलेटेड टू बिहेवियर एंड लार्जली रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। जब तक ये दो चीज को आप ठीक नहीं करते हो, एक्सीडेंट प्रिवेंशन मुश्किल है। क्या गलत बोला, अब देख रहे हो, आई हैव सीन मेनी प्लेसेस, इसीलिए इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड किया है। फिर देखो ये सब तो और रिक्स है, जैसे स्ट्रेटेजिक रिक्स, रेगुलेटरी रिक्स, फाइनेंशियल रिक्स एंड ऑपरेशनल रिक्स, ये सब तो है ही। फिर और नीचे है क्या, देखो तो हाँ लेवल ऑफ रिक्स वो तो मालूम है, लो मॉडरेट एक्सट्रीम। प्रिवेंशन ऑफ रिक्स मतलब पहले आइडेंटिफाई करो, फिर प्रोबेबल इंपैक्ट मतलब रेटिंग करो, फिर इसको मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज एंड डिजास्टर प्लानिंग एंड रिमूविंग द पर्सन फ्रॉम डेंजर जोन, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक पहले अवॉइड करने की कोशिश करो, रिटेंशन उसको कम करो, स्प्रेडिंग स्प्रेड करो, फिर लॉस प्रिवेंशन मतलब 4 आदमी मरना है वहां पर 1 आदमी कम में लगाओ, एक्सपोजर कम करो, रिडक्शन एंड ट्रांसफर अगर संभव है तो उसको दूसरे जगह ट्रांसफर। मैनेजिंग रिस्क कैसे, जैसे मान लो रूप है, रूप पे तुम लोग टेंडर लगाओ, कुछ ऐसे कूपन लगाओ कि यू नो व्हेदर रूप इज कमिंग और नॉट, ठीक है। अगर आ रहा है नीचे तो किस रेट से आ रहा है, पहले नो एब्नॉर्मलिटी, अगर एब्नॉर्मलिटी नहीं है सब कुछ ठीक है, ठीक है। एब्नॉर्मलिटी है तो इंस्टॉल मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। फिर पुट इन प्लेस द कंट्रोलिंग पैरामीटर्स, आप कंट्रोलिंग पैरामीटर बोलने पड़ेगा कि 3 mm आने से गिरेगा ना 4 mm आने से गिरेगा, तो जगह जगह पर ट्रायल एंड एरर करके आपको देखना है, ठीक है। तो ये जब आपको ट्रायल एंड एरर का ये करना पड़ेगा कि वो कितना होने पर कंट्रोलिंग पैरामीटर्स कितना होने पर ये हम आदमी को हटाएंगे, उस हिसाब से क्विक रेस्पॉन्स प्लान बनाना पड़ेगा फॉर रिमूवल ऑफ पर्सन फ्रॉम सेफ्टी, समझ गया। दिस इज द पर्पस ऑफ SNP।
नेक्स्ट नेक्स्ट ये बनो। हाँ ऐसे में जैसे भी शॉर्ट में हम बना देते हैं, कंपनी का जो पॉलिसी रहता है उसको बोलते हैं सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कुछ कंपनी का सीएमडी टीटी या सीएल कोली या कुछ सेफ्टी का बोल देता है ऐसा, है ना, सेफ्टी प्लेज आप लोग बोलते हो। दैट सेफ्टी प्लेज हैज टू बी कन्वर्टेड इन टू माइंड व्हिच इज बाई सेफ्टी मैनेजर प्लान। वो बोल दिया जीरो एक्सीडेंट करना है तो जीरो एक्सीडेंट कैसे करोगे, उसके लिए जो डिवाइस मेथड डिवाइस करते हो दैट इज कॉल्ड सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। लिखा हुआ पढ़ लेना उसको, दूसरे प्रोजेक्ट पढ़ो, दूसरे फाइल पढ़ो। देख लेना इसमें पढ़ो, दूसरा फाइल करो। मेकिंग ऑफ, हाँ मेकिंग, हाँ अब मेकिंग किस तरह से बनता है। फर्स्ट पार्ट ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल हजार्ड मैनेजमेंट प्लान, इसको फर्स्ट पार्ट बोला जाता है। सेकेंड पार्ट बोला जाता है वर्क प्लेस रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट प्लान। तीसरा होता है एक्सीडेंट प्रिवेंशन एंड जेएसए मतलब जॉब सेफ्टी एनालिसिस। मालूम है इसको ना, मालूम नहीं है। कोई भी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में फर्स्ट चैप्टर जो होता है प्रिंसिपल हजार्ड को मैनेज करने के लिए बनाया जाता है, उसको बोलता है हम लोग प्रिंसिपल हजार्ड मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, प्रिंसिपल हजार्ड में जैसे आपको अंडरग्राउंड में प्रिंसिपल हजार्ड में आप मान लो रूफ फॉल पकड़ लिया, वेंटिलेशन पकड़ लिया, फायर पकड़ लिया, इरिगेशन पकड़ लिया, दे आर ऑल प्रिंसिपल हजार्ड्स। आप उन प्रिंसिपल हजार्ड्स को पहले रेटिंग करना पड़ेगा। रेटिंग में वजह क्या है, प्रिंसिपल हजार्ड जो है बार बार नहीं होता है, इनंडेशन 4 साल 5 साल 10 साल में एक बार होगा, लेकिन जब होगा 10-20 आदमी मर जाएगा। इसलिए प्रिंसिपल हजार्ड का कोई रेटिंग नहीं होगा, उसको रेटिंग मानना पड़ेगा मोर देन 350। बस समझा, उसका ना आपका फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी कंसीक्वेंस निकालने का प्रॉब्लम, बिकॉज निकालोगे भी वो तो होगा नहीं, हर ईयर होगा नहीं, 2 साल में भी नहीं होगा, 5 साल में भी नहीं होगा, लेकिन होगा इस बार सब कंसिक्वेंस उसका इतना बड़ा है कि उसको प्रोबेबिलिटी फ्रीक्वेंसी नहीं माना जाएगा। इसलिए प्रिंसिपल हजार को लेके चलना पड़ेगा कि दे आर ऑल मोर देन 350। वर्क प्लेस को कोई वर्क लो जैसे ब्लास्टिंग, या मान लो ड्रिलिंग एट द फेस, या मान लो सपोर्टिंग एट द फेस, या कटिंग एट द फेस, एक एक काम हुआ, उस काम का रिस्क क्या क्या है पहले वो लिखो, फिर वो रिस्क मैनेज करने के लिए कंट्रोल प्लान क्या है, उसका वर्क प्लान क्या है, फिर उसका फैसिलिटेटर कौन है, क्या क्या सामान चाहिए, क्या देगा, कितना दिन में देगा, एग्जीक्यूटर कौन कौन है, उसके बाद उसको मॉनिटर कौन है, मॉनिटर नॉर्मली जीएम होगा, एग्जीक्यूटर में अप टू एजेंट आएगा, सुपर मॉनिटर होगा कौन है, तो ये टोटल आपको आना पड़ेगा। ठीक है, वो बाद में उसमें समझा देंगे। तो ये वर्क प्लेस लेके हुआ, ये एक्सीडेंट प्रिवेंशन मतलब लास्ट 10 इयर्स या 15 इयर्स का एक्सीडेंट देख लो, किस टाइप का एक्सीडेंट आपको हुआ है, उसको रूट कॉज एनालिसिस करो, उसका एनालिसिस करके देखो उस रूट कॉज को कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हो। वो एलिमिनेट करने का जो कंट्रोल प्लान बनेगा उसको बोलता है एक्सीडेंट प्रिवेंशन रिस्क असेसमेंट प्लान। जे कैसे क्या है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस। जब कोई नया इक्विपमेंट आप लाते हो जैसे लॉन्ग हॉल लाया या बॉर्डर माइनर लाया या कंट्रोल माइनर लाया, तो उसके लिए अलग से सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बैठ के बनाना पड़ता है, उसको बोलता है जॉब सेफ्टी एनालिसिस। बनाने के लिए 2 कमिटी रहता है, एक कोर कमिटी रहता है जिसमें एजेंट इंजीनियर सर्वेयर सब रहेगा। सब कमिटी क्या होगा, काम वाइज सब कमिटी होगा, जो काम का आप कर रहे हो इनंडेशन का कर रहे हो स्टडी, तो इनंडेशन के लिए कोई सीनियर एक मैनेजर को मैनेजर भी रह सकता है खुद, प्लस सर्वेयर को सब रहेगा जो इनंडेशन के लिए देखता है। ब्लास्टिंग के लिए कर रहे हो तो ब्लास्टिंग ऑफिसर मैनेजर रह जाएगा, प्लस ब्लास्टिंग में आप तो मजदूर तक जो एक्सपीरियंस मजदूर है सुपरवाइजर है सबको लेना पड़ेगा। तो सब कमिटी अलग अलग काम के लिए अलग अलग रहेगा, कोर कमिटी एक फिक्स रहेगा। सब कमिटी पहले बनाएगा आपको एसएमपी, वो देगा कोर कमिटी को, कोर कमिटी देख के एजेंट को दिखा करके फिर वो जीएम के पास जाएगा, फिर जीएम अपना ओनर के पास जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे करते रहेगा। यही सब चीज इसमें लिखा हुआ है, पढ़ लेना। समझ में आया क्या बोले, कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टोल्ड, समझ में आया।
इस तरह से आपको बनना है, ठीक है। पहले प्रिंसिपल हैजर्ड मैनेजमेंट प्लान जो बोला वो बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि वो प्रिंसिपल हैजर्ड को कंट्रोल करने पे आपको मेजर हैजर्ड कंट्रोल हो जाएगा। वर्क प्लेस में कंट्रोल करना है, उसमें एक्सीडेंट होने पर एक दो फेटल होगा जरूर, लेकिन उसमें मोर देन 4 फेटलिटी नहीं होगा। इसलिए प्रिंसिपल हैजर्ड को पहले कंट्रोल करो, ठीक है। प्रिंसिपल हैजर्ड कंट्रोलिंग आर मस्ट, और उसको 350 अबव लेके ही चलो, बस समझ में आया। उसके बाद ये बनने के बाद में एसएमपी बनाने पड़ेगा, वर्क प्लान जो बनाया उस हिसाब से हर आदमी का एसएमपी सेफ ऑपरेटिंग प्रैक्टिस बनाना पड़ेगा, कोड ऑफ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बनाना पड़ेगा। कोड ऑफ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस और एसओपी में अंतर क्या है बताओ? कोड ऑफ प्रैक्टिस और एसओपी अंतर क्या है? दो दो है रेगुलेशन में लिखा हुआ, देखो। आप इंजीनियर हो क्या? अच्छा, कोड ऑफ प्रैक्टिस मतलब क्या होता है? पूरा काम का एक कोड ऑफ प्रैक्टिस होता है। जैसे मान लो ब्लास्टिंग का आप कर रहे हो तो ऊपर में लिखना पड़ेगा कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ब्लास्टिंग। उसमें डीलर का क्या काम होगा, ड्रेसर का क्या काम होगा, उसे अलग अलग लिखोगे, उसे अलग अलग एसओपी बनेगा, समझिए बात। लेकिन ऊपर में लिखा रहेगा कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर ब्लास्टिंग, या तो आप मशीन के लिए लिखोगे तो बोलो मशीन मेंटेनेंस कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर, कौन मशीन का नाम दोगे वो मशीन का मेंटेनेंस, समझिया। उसको कोड ऑफ प्रैक्टिस सबमिट करने पड़ते हैं डीजी में। कोड ऑफ प्रैक्टिस में क्या होता है, सब डिफरेंट काम के लिए एसओपी रहता है, कौन लेवल का आदमी करेगा वो भी उसमें मेंशन रहता है। बस समझ में आया क्या बोले? जैसे ब्लास्टिंग का कर रहे हो, पहले मान लो ड्रेसिंग करेगा, कैसे ड्रेसिंग करेगा, वो ड्रेसर का स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस दो, ठीक है। फिर डीलिंग का दो, फिर चार्टिंग का दो, फिर कनेक्शन का दो, जो भी करना है आपको ब्लास्टिंग, जितने जितने आदमी को आप कर रहे हो उसका सबका एसओपी बनाओ, सबका डेजिग्नेशन दो, कौन कौन करेगा, किस तरह से करेगा, वर्क प्लान के साथ लगाओ। बस समझ में आया? तो ये हिस्सा आपको बनाना पड़ेगा, तब जाकर आपको फुल सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान होगा। उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, फिर इंप्लीमेंट करना भी बहुत भारी काम है। इंप्लीमेंट करने के लिए वही आपको बोला, आपको हर लेवल में ट्रेनिंग देना पड़ेगा, क्योंकि आप बनाने से ही नहीं होगा, आपको जो बनाया उसको फिर आदमी को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, हर आदमी को, स्टार्टिंग फ्रॉम वर्कर, फ्रंटलाइन सुपरवाइजर, ऑफिसर, सबको देने पड़ेगा ट्रेनिंग, रिट्रेनिंग सबको देने पड़ेगा। प्लस 6 महीना बाद रिव्यू, फिर हम लोग अपने सीनियर जो बहुत दिन काम किया, 30 साल फील्ड में जो काम किया, वो सबसे ले आना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, नहीं तो आलतू फालतू आदमी से रिव्यू करने से कोई फायदा नहीं है। समझ में आया? आपको समझ में आया सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान? समझ में आया? कितना टाइम हुआ? 1 बजा। ये वाला के बाद और कोई फाइल है क्या? देखो तो और एक तो छोटा फाइल होगा, मेकिंग ऑफ एसएमपी का। और क्या है देखो, और एक तो क्या है, कंपोनेंट ऑफ एसएमपी दिखाओ। हाँ, इसमें कंपोनेंट में क्या लिखा है देखो, फॉर्मलाइजिंग सेफ्टी पॉलिसी ऑफ द कंपनी, कंपनी बनाता है। इसके बाद रेगुलर कम्युनिकेशन एंड हेल्थ अमोंग ऑल, मतलब आपको वर्कर तक जानना चाहिए कम्युनिकेशन। जैसे आप बनाया, बना करके यहाँ रखने से नहीं चलेगा, ट्रेनिंग देकर वर्कर को समझाना पड़ेगा, समझिए ना, यही चीज हम बोला, कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। इसके बाद जो हम बोल रहा था बिहेवियरल बेस्ड सेफ्टी, समझा, ये नहीं होता है, जबकि ये बहुत जरूरी होता है। इसके बाद लैग इंडिकेटर्स एंड लीड इंडिकेटर्स, लीड इंडिकेटर्स मतलब जिस पर तुम्हारा पॉजिटिव माने एक्सीडेंट होने का चांस कम है, उस इंडिकेटर को लीड इंडिकेटर बोलते हैं। लैग इंडिकेटर मतलब आपको एक्सीडेंट का चांस बढ़ाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेनिंग, सेफ्टी ऑडिट हैज टू बी डन। सेफ्टी ऑडिट तभी होगा जब बढ़िया सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बनाओगे। इसके बाद सेफ्टी इंस्पेक्शंस, बिहेवियर करेक्शंस, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इन प्रोएक्टिव एक्टिविटी। एक्सीडेंट होने का पहले ही सोचना है कि इस तरह से एक्सीडेंट हो सकता है, वो बोल के प्रिकॉशन लेना है, उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक्सीडेंट हो जाने के बाद चोर भाग जाता है तो सोचते हैं साले को पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे, भाग तो गया, अब वो आ ही नहीं सके। इसके लिए जो मेथड बोलोगे उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव। तो ये एसएमपी क्या है, प्रोएक्टिव मेथड है।
मतलब बिफोर कमिंग इन टू प्लेस, एक्सीडेंट होने का पहले आपको सोचना है, शायद ये हो सकता है, उस हिसाब से प्लानिंग करना है कि वो हो नहीं। कटिंग एज टूल्स, कटिंग एज टेक्नोलॉजी टूल्स यूज करना है, मॉडर्न ट्रेनिंग टूल्स, इंप्रूवमेंट ऑफ ऑल सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। नीचे है क्या हो, हाँ देखो, मोटिवेटेड, मोटिवेट योर एम्प्लॉइज। हमारे दिन में क्या होता है, हमारे एम्प्लॉइज मोटिवेटेड नहीं है, पब्लिक सेक्टर का मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज आर डीमोटिवेटेड। क्यों? अब हम मैनेजमेंट का फिर पढ़ाई तुमको पढ़ाते हैं। चार तरह का आदमी मिलता है, ये हमको खैर हम माइनिंग का इसलिए पढ़ा देते हैं, ये एक्चुअली IIM का पढ़ाई है, IIM में पढ़ाई होता है। ऑल इंडस्ट्री में क्या होता है, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ पीपल, समझ गया। मैनेजमेंट में पढ़ाई होता है IIM में, हम असल में क्या है IIM का किताब मतलब पढ़ते रहते हैं, क्योंकि हमारा ह्यूमन मैनेजमेंट जो है ना वो ज्यादा इंटरेस्ट लगता है, इसलिए हम ह्यूमन मैनेजमेंट ज्यादा पॉइंट बोलते हैं, जिसमें इसमें भी कुछ इंक्लूड किया है, मोटिवेशन। बिना मोटिवेशन के आपका कुछ काम नहीं होगा, आप कितना भी सैलरी बढ़ा दो, मोटिवेशन बिना कोई आदमी काम नहीं करता। पहला लेवल जो आदमी जो इंडस्ट्री में आता है, हम लोग देखते हैं अभी तक एक्सपीरियंस ये बोलता है, 5 से 10 साल कोई ग्रेजुएट या कोई डिप्लोमा ज्वाइन करता है, उस कैटेगरी के आदमी को हम लोग बोलते हैं मोटिवेटेड, मोटिवेटेड डेफिशिएंट, मोटिवेटेड डेफिशिएंट। डेफिशिएंट क्यों? क्योंकि वो 5 से 10 साल आया है, कंपनी के बारे में उसको मालूम नहीं है, कंपनी क्या करता है, कहां से प्रॉफिट लाता है, प्रॉफिट कहां जाता है, प्रॉफिट का पैसा कहां जाता है, मेटीरियल्स कैसे आता है, सिस्टम इज नॉट नोन टू देम। तुम्हारे कितना साल हुआ? 6 साल हुआ, तुम अभी वही कैटेगरी में है। 5 से 10 साल तक आदमी उस कैटेगरी में रहता है, तब तक आदमी मोटिवेटेड डेफिशिएंट रहता है, पूरा काम नहीं सीखता है लेकिन मोटिवेटेड रहता है। क्यों मोटिवेटेड रहता है? क्यों? हाँ? हम GM बनेंगे, हम DT बनेंगे, सैलरी का बात नहीं है। अरे भाई सब हम लोग उसी रास्ते से गुजरे हैं, इसीलिए हम लोग के साथ कोई छुपाने का कोई नहीं है। डिग्री डिप्लोमा आता है तो डिग्री डिप्लोमा वाला सोचता है हम तो साला GM होंगे ही होंगे, डिग्री वाला सोचता है हम तो DT CM भी होंगे ही होंगे, इसलिए वो लोग मोटिवेटेड रहता है, काम नहीं जानता लेकिन स्टिल दे आर मोटिवेटेड। नेक्स्ट लेवल जो होता है 10 साल के बाद, 10 से 15 साल मानो 10 to 15 years या 20 years भी कभी कभी होता है, ये सेकेंड ग्रेड ऑफ पीपल, इसको बोला जाता है मोटिवेटेड एफिशियंट। ये कंपनी का काम पूरा सीख गया, ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया, क्या एक्टिविटी करता है कंपनी, कहां प्रॉफिट जाता है, कहां लॉस जाता है, कैसे सामान खरीदता है, सब कुछ सिस्टम उसको मालूम पड़े, मटेरियल मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेशन, फाइनेंस, बजटिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजिंग स्किल, प्लानिंग स्किल, सब थोड़ा थोड़ा उसको समझ में आ गया, तभी भी मोटिवेटेड है, मतलब तभी भी सोचता है हम DT CM नहीं बनेंगे, ग्रेजुएट वाला सोचता है, ठीक है, तो तभी भी मोटिवेटेड रहता है 15 से 20 साल तक। इसके बाद जब थर्ड ग्रेड, देखो IIM का पढ़ाई है, 1 लाख रुपए का पढ़ाई है पर एक पर घंटा, हम इसे पढ़ रहे हैं, IIM का फर्स्ट या सेकेंड ईयर में पढ़ाई होता है, इसको PSU में काहे नहीं IIM आता है वो भी हम बताएंगे, क्यों नहीं आता है IIM बल्कि PSU में, क्यों प्राइवेट में जाता है। थर्ड ग्रेड जो हो गया, ये सारा गड़बड़ ग्रेड चालू हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं डीमोटिवेटेड एफिशिएंट, काम जानता है सब, डीमोटिवेटेड है, कितना पैसा देने जा उसका हो गया मोर देन 20 इयर्स वाला है, ठीक है। तो ये आप सोचा, आप तो हम साला DT CMD होंगे नहीं शायद, ये ग्रेजुएट सोचता है, हर डिप्लोमा सोचता है, सलाम को तो हो सकता मैनेजर, ठीक है। तो दिस डीमोटिवेशन कम्स फ्रॉम देयर, आप कितना भी पैसा दो वो काम आपको करेगा नहीं। अच्छा अब मजेदार है, कोल इंडिया का स्ट्रक्चर क्या है, अब
देखो और बोल अगर हम कितना सुंदर तुमको पढ़ाते हैं, इतने कोई पढ़ाएगा? ये देखो पोल इंडिया का क्या स्ट्रक्चर, ऐसे लोगों में ऐसा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो है ना, ये तुम्हारा, ये वाला तीन नंबर का आदमी है, सबसे ज्यादा भरा हुआ है, सबसे कम देखो, सबसे कम जाए। ये IIM में पढ़ाई होता है, अगर इस ग्रेड का आदमी, इस ग्रेड का आदमी अगर 50% से कम हो गया तो उस कंपनी लॉस में चला। माने इस कैटेगरी का आदमी को अगर टोटल मैन पावर मान लो 2000 है, TCS जैसे करता है, TCS इंफोसिस इलोकर्ता क्या है, इसी लेवल का आदमी को मोर देन 50% रखने की कोशिश करता है, क्योंकि मोर देन 50% नहीं रहेगा तो मालूम है ये कंपनी पूरा लॉस दे देगा। और हमारा यहाँ PSU में ये तो उतर के 10-20% में चला जाता है, और इसमें आ जाता है 60%। ये ऑल ONGC का हालत है, ये कोल इंडिया का हालत है, ये कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लो, ऑलवेज दिस इज देयर। आप बोलोगे इसको कैसे काउंटर करेंगे, बोल सकते हो ना इसको कैसे काउंटर करेंगे? काउंटर करना है, काउंटर करता है TCS, आप नहीं करते, कैसे करता है देखो, बोलते हैं इसके लाज वाला तो छोड़ दो, लाज वाला कैटेगरी नहीं बोला, हाँ लाज वाला बोलता है डीमोटिवेटेड डेफिशिएंसी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डेट वुड, इसको साल को निकाल देना चाहिए, पॉलिसी एक करने से समझिए, इसको डेट वुड बोलता है। तो आप TCS इंफोसिस क्या कर रहे हैं, जब ही देखता है एक आदमी को एफिशियंसी है उसको GM में प्रमोशन देना चाहिए, GM का पोस्ट नहीं है तो वो क्या करता है, नए नए एरिया में पोस्ट क्रिएट करता है, ट्रांसफर करके जीव कर देता है, जो हम अपनी करते हैं। जिससे से क्या है, देखो कुछ दिन पहले कलकत्ता में खुला, फिर अभी दूसरे जगह खुलेगा, TCS Amazon Google ये सब करते हैं, पूरा वर्ल्ड पीछा हुआ है, Amazon का देखो ना क्या करता है, जब देखता है आदमी काम कर रहा है उसको रिम्यूनरेशन ठीक नहीं मिलता है, उसको इंटरेस्ट घटने जा रहा है, नहीं 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 तुमको दूसरा जगह देते हैं, देते देते दूसरे जगह, उसको दूसरा जगह आप प्रिफ्ट करके दे देंगे, फिर दौड़ता रहेगा बेटा, फिर कुछ दिन दौड़ेगा, दौड़ने के बाद देखेगा उसे पहुंच गया, अब कौन सा देता है, कौन सा, तो दे ऑलवेज चेक एंड बैलेंस, एवरी मंथ दे मॉनिटर, Amazon में एवरी मंथ मॉनिटर करता है कितना काम तुम दौड़ रहे हो, Amazon इसीलिए Amazon गूगल इतना अच्छा कंपनी है, दे मॉनिटर इन एवरी मंथ आपका परफॉर्मेंस, और गिरने नहीं देता है, जब सोचता है काम कोशिश कर रहा है और हो पा नहीं रहा है तो दे विल डू समथिंग व्हिच विल कंपेंसेट यू, इसी के लिए वो सब कंपनी दुनिया में रूल करता है। और अब हम सोचते नहीं है या करने का कोशिश नहीं करते, या करने का कोशिश करोगे तो भी करने नहीं देगा, क्योंकि एक आदमी काम करता है अच्छे से खट रहे हो तुम मुनडी में, सारा मुनडी में रह देगा तुमको, चलेगा नहीं, जैसे हम लोग थे फॉरन ट्रेनिंग था छोड़ा नहीं, हम चले DGM से लग गया, अब नहीं ब्रेन ट्रेंड हो गया, हमारे साथ बहुत आदमी गया है, तो ये चीज कंपनी को सोचना चाहिए जो कि नहीं सोचता है, हम लोग बोला ट्रांसफर करेंगे तो आपको उद्यम में दे देंगे, ट्रांसफर करेंगे तो कुछ झंझरा दे देंगे, हमने साल आई की बात हुआ ऊपर से गिरा तो तार में लटका क्या फायदा है, तो इसीलिए हम लोग लास्ट में छोड़ दिया, बिकॉज टॉपर था, फॉरेन ट्रेनिंग किया, इतना किया, इतना खटा मुनरी का खटने तो तुम लोग का विधि था, सवेरे 6 बजे से शाम को 6 बजे उठा तो GM बुलाता है, हम लोग लॉन्ग वॉल इंचार्ज रहता था, GM साहब बुलाता है, अरे प्रोडक्शन नहीं हुआ खबर क्या, फोन में बोल दिया साहब साहब बुलाया, अरे साला साहब साहब बुला क्या, 6 बजे गया 9 बजे तक पहुँचा रहे उतर आएगा, मैंने सवेरे 6 बजे से रात 9 बजे तक जाओ, तो ये कहानी तो सब जगह ही सब चेंज करना पड़ेगा, ये आपको बोला ना आजकल का दिन में आपको थिंकिंग पॉजिटिव जब तक आदमी को चेंज नहीं करोगे ये सब चेंज नहीं होने वाला है, तो इसके बाद लास्ट में रिविजन कंटिन्यूअसली जो बोलता है ट्रेनिंग एंड तुम्हारा 6 महीने में रिवीजन करना है सीनियर ऑफिसर जो जानता है ठीक, और एक और एक और एक और एक फाइल देखो निकालो, और एक फाइल का
एक ही है क्या? एक चार फुट, चार फुट दिखा दिया ना, हाँ चार फुट दिखा दे, ठीक है दे देना, ये लोग देख लेना, ठीक है। और दूसरा एक चीज यहाँ पर शायद हम लिखा है कहीं कहीं पर होगा, दो ठो डेफिनेशन है, एक बोलता है मिस बेल्ट, नियर मिस बेल्ट, एक डेंजरस ऑफेंस। अंतर क्या है बताओ? नियर मिस बेल्ट है ना, डेंजरस ऑफेंस है, दोनों में अंतर क्या है? मेजर इन्वॉल्वमेंट हो सकता था, अगर एक्सीडेंट होगा तो मेजर लोगों को इन्वॉल्वमेंट, मतलब जैसे नियर मिस मामूली चूक हुआ है, एक में पोटेंशियल कम है, एक में पोटेंशियल ज्यादा ज्यादा है। अच्छा ठीक है, आप लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो, बिकॉज आप लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो सिंचार में ट्रेनिंग में ये बताया जाता है कि नियर मिस इवेंट उसको बोलता है, क्योंकि हम लोग अभी वर्ल्ड ओवर जीरो एक्सीडेंट नहीं बोला जाता, जीरो हार्म बोला जाता, जीरो एक्सीडेंट आजकल बोलता नहीं, जीरो हार्म टू दी जियो, माने जियो माइनिंग कंडीशन। जियो माइनिंग कंडीशन बोलने से आपका एनवायरनमेंट मशीनरी सब पर, एनवायरनमेंट मशीनरी कुछ भी अगर डैमेज नहीं हुआ और कुछ ऑकरेंस हो सकता था, उसको हम लोग नियर मिस इवेंट बोलते हैं। जैसे मान लो दो डंपर हाई स्पीड में बगल बगल गुजर गया, लेकिन लगा नहीं, हाई स्पीड गुजर गया, लगने से कुछ हो सकता था, लगा नहीं तो नियर मिस इवेंट हो गया। डेंजरस ऑकरेंस कब होगा? एगो गाड़ी ओपन करते हैं बोले, एगो डंपर गया स्किड कर गया, तेल में चला गया स्किड कर गया, स्किड करके पलट गया, लेकिन डंपर में कुछ तोड़ फोड़ नहीं हुआ, आदमी भी मरा नहीं, तो डंपर डैमेज भी नहीं हुआ, आदमी भी मरा नहीं, तेल के लिए स्किट किया, तो ये एनवायरमेंटल डैमेज भी नहीं हुआ, मशीनरी डैमेज भी नहीं हुआ, तो वो होगा आपको नियर मिस। लेकिन डंपर का टेरा हो जाता है तो डेंजरस ऑफेंस आ जाएगा, बस समझा? एनी डैमेज टू द मशीन और एनवायरमेंट अगर होता है तो इट विल बी डेंजरस ऑफेंस। अगर डैमेज टू द एनवायरमेंट नहीं है, डैमेज टू द मशीनरी नहीं है, डैमेज टू ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो वो नियर मिस इवेंट आएगा। समझ आएगा? अब इसमें तो कैटेगराइज करो, ये दो उसमें फंडामेंटल डिफरेंस है ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट में। हम लोग बोलेंगे वैसे जैसे हम लोग बोलते हैं कम होगा, तो हम लोग बोलेंगे ये कम होगा, तो सब बात बोल के नहीं है, वो जीरो हार्म बोलता है, जीरो एक्सीडेंट नहीं बोलता, वो जीरो हार्म बोलता है। ठीक है, समझ में आया कुछ? समथिंग अंडरस्टूड? अब फिर क्वेश्चन आंसर करते रहना। वो आप व्हाट प्लेस पर हम देख के दो, इसमें पांच नंबर में कितना देना है ना, कुछ ठीक है सर, सर्कुलर में सर हम लोग देख रहे हैं ना कि इसमें हमारा जो रेटिंग है उसी को दिखाइए, रेटिंग आपकी है फर्स्ट पेज पर का उसी को दिखाइए, सर्कुलर तो दिखाओ ना, उसी में से रेटिंग निकालना पड़ेगा। ये जैसे मान लो एक कोई ये सर्कुलर बना, इसमें अगर जो ट्रिक्स ऑफ फिगर तुम्हारा कंटिन्यूअस ऑलवेज है फाइन में है, तो उसमें 10 लेना पड़ेगा, जिसमें अगर सेवरल डेट का बात है एक से ज्यादा तो 5 लेना पड़ेगा, एक या दो है तो 5 से कम लो, 1 डेट 1 लो, 1 का ज्यादा है तो 1 और 5 के बीच में लो। वही तो सर, 5 एक से और 5 के बीच में, तो मेरे पास तो कोई ऐसा टेबल है नहीं कि हम उसको 2 करेंगे कि 3 करेंगे कि 4 करेंगे। देखो दिस इज डी में गैसियस माइनस है, डी थ्री माइनस है, तो एक्सप्लोजन इज ए प्रिंसिपल आ जाएगा, तो उसको हम लोग का जो रेटिंग है हमेशा 350 से ऊपर हो रहा है, हां वो प्रिंसिपल आ जाएगा, लेकिन बोला जाता है कि जिन्हें रिस्क को कम की कम करो, हां रिस्क को कम कितनो भी करेंगे हां, लेकिन उसका रेटिंग हम लोग कम नहीं करते हैं, रेटिंग नहीं करते हां, रिस्क को कम करेंगे, रिस्क को 350 से जितना मिनिमम कर सकते करो, समझ गया ना, एज फार एज पॉसिबल उसको लिमिट करो, लेकिन उसके बाद लिमिट करने के बाद फिर कुछ रिस्क रहेगा, आधा घंटे में सिचुएशन चेंज हो गया, आधा घंटे में नहीं, कुछ रिस्क आप एसेस नहीं कर सकते, भगवान फिर सब बोल के करता है आपको, तो इसीलिए रिस्क रेसिडुअल रिस्क रहेगा ही रहेगा, यू कैनॉट रिस्क को जीरो नहीं कर सकते, लेकिन एज फार एज पॉसिबल एज फार एज खर्चा आपको मिला उस हिसाब से आप उसको रिड्यूस करते हैं।
टेलीमोनिटरिंग खर्चा नहीं मिलेगा, नहीं लगा पाओगे, है कि नहीं? तो इट इज ऑल कि आप कितना पैसा मिला, कितना बुद्धि लगा के किया, लेकिन कभी भी आप सोचो क्या रिस्क हम जीरो करेंगे, जीरो हो नहीं सकता है, जीरो हो नहीं सकते, इट इज इम्पॉसिबल। क्योंकि भगवान क्या करेगा, कल भूकंप करते हो क्या कर लोगे? तो हम ज्यादा कंसंट्रेट होते हैं कि मेरा ये प्रिंसिपल हैजार्ड है, हमको इसको इसके लिए जो भी प्रिकॉशनरी मेजर सब लेना है, सब लेना है, जितना जानते हो उतना लेना है, ठीक है? अब सर जैसे आपके साइड से अगर बोला जाए कि आपने सारा प्रिकॉशनरी मेजर ले लिया, ठीक है, तो क्या आपका रिस्क 350 ही रहा कि कुछ घटा? नहीं नहीं घटेगा, जरूर घटेगा, क्या नहीं घटेगा? तो अगर हम कितना होगा वो बोलना मुश्किल है, ठीक है सर, तो अगर हम उसको घटा देते हैं 350 से, वो तुम नहीं घटा सकते। देखो वही तो सर तुम बोलते हो, घटा करके कोई नंबर नहीं दे सकते। आप 350 मत लिखो, पहला रिस्क एसेस कर लो, कुछ भी नहीं लगाओगे तो 350 है आपका, ठीक है? ठीक है सर। उसके बाद आप मैनेज करो, कंट्रोल पैरामीटर दे, जितना कंट्रोल पैरामीटर आप दे सकते हो, आपका बुद्धि में आया आप करोगे, जो आपको बुद्धि में नहीं आए, सुपर ह्यूमन अगर भगवान आके बैठेगा वो तुमसे ज्यादा लगा देगा ना 2-4 पॉइंट, या आप करोगे हम आएंगे हम 2-4 पॉइंट ज्यादा लगा देंगे, देखना, बिकॉज हम ज्यादा देखे हैं आपसे, इसीलिए तो रिव्यू करना बोलते हैं 6 महीना, क्यों रिव्यू करना बोलता है? आप सुनो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्सी टोटल करना मुश्किल है, क्योंकि सब रिक्स कोई भी एसेस नहीं कर सकता है। कल भूकंप हो जाएगा क्या करोगे? आपको मालूम है मुरीडी भूकंप एरिया नहीं है, फिर भी भूकंप हो जाएगा क्या कर लोगे? गांधी टेड एक्सीडेंट हुआ था, कैसे हुआ? पड़ो कोटो पेन कोडी रिपोर्ट, 400 mm पानी हो गया एक दिन बरसात में, पड़ो ना गांधी टेड कोटो पेन कोडी, 400 mm कभी बारिश हुआ ही नहीं था। अब वैसा इंसिडेंट भगवान तो करा सकता है, आप कैसे बोलोगे रिस्क जीरो हो गया? नहीं बोल सकते, इट इज बियॉन्ड कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग, आदमी कंसेप्शन नहीं कर सकता है भाई, सबको अगर कॉन्सेप्ट कर ही लिया तभी आप भगवान बन जाओगे, तो यू विल बिकम गॉड अगर सब चीज आप कर सकते हो। मेन है सर जितना पॉसिबल, जितना आपको पैसा मिला ऊपर से, जितना ऊपर से गाइडेंस मिला उतना आपने किया, दैट्स यू हैव ट्राइड योर बेस्ट टू रिड्यूस दी रेट ऑफ एक्सीडेंट, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। जीरो के लिए नहीं बोला जा रहा सर, रिस्क रेटिंग कम करें, कम होगा ऑटोमेटिक, कम होगा ऑटोमेटिक। सर मान लीजिए गैस में मॉनिटरिंग के लिए हम सारा इक्विपमेंट लगा, मॉनिटरिंग लगा दिया, आदमी लगा दिया, फिर सब कुछ, रिस्क रेटिंग मेरा कम हो गया, कम हो गया, कम, फिर हमारा कंसंट्रेशन घटेगा कि? अरे कम हो गया बोलकर तो इतना दिन से फिर नहीं हुआ, ये काहे नहीं सोच रहे हो? अगर नहीं लगा था मॉनिटरिंग, इस बीच में ही कुछ हो जाता, क्यों नहीं हुआ? बिकॉज यू हैव रिड्यूस द रेट, दैट इज नहीं हुआ। रिडक्शन का मतलब यही है कि आप उसको डिफर कर रहे हो। डायबिटिक होता है डॉक्टर पास जाए, जैसे बोल रहे हैं ना शरीर पे, जो कि डीडीजी साहब इनको ये बात बोले हैं इसमें कि यदि आपने गैस को एक को रखा था तो उसको आपने रेटिंग दिया 350 का 2016 में, ठीक, 2023 में भी आपका रेटिंग है, आपका इस रेटिंग हाँ, वो नहीं किया होगा नहीं, इसका मतलब साल साल में आपने कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ मेजर है सर, ऐड करके कम करना था उसको, एक मिनट, उसमें क्या करना था आपको, जो मॉनिटरिंग का चीज आप रखे हैं उससे आप हजार को कम नहीं कर पा रहे हैं ना, चाहे कंसिक्वेंसेस चाहे आपका जो एक्सपोजर है ये कम नहीं हो रहा, साल जो 5 है चाहे 10 जो भी है, ठीक है, आप कम कर सकते हो केवल तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग 10 है, तो ऐसा इंसिडेंट ना हो उसके लिए आपने क्या किया? यदि कुछ नहीं किया तो 350 रह जाएगा, कुछ नहीं किया तो 350 रह जाएगा, और यदि आप उसको एक्सपोजर रोकने के लिए आपने बहुत जैसे स्टोन रेस पेरियस सब जगह आप लगा दिए, जैसा जैसा रेगुलेशन हो रहा था जैसा सर्कुलर वो सब लगा दिए आप, ठीक ना, जिससे कि एक्सपोजर को रोका जा सकता है, ठीक है, वेंटिलेशन आपने बहुत स्टैंडर्ड बहुत अच्छा से कर दिया जिससे मीथेन का जमाव कहीं पर नहीं हो पाएगा वैसा, ठीक है, आपका एज पर आपका रेगुलेशन के अंदर जितना बोलता है 1.25 या 0.75 वो मेंटेन है आपका सब, क्योंकि आपने वैसा सारा कुछ एक्टिविटी कर लिया,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग कम हो गई, बेसिकली कंसीक्वेंसेस से एक्सपोजर सेम रहा, जो 10,005 है मान, ठीक है 50 हुआ, लेकिन 7 जो था प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग जो 350 कर रहा था वो प्रोबेबिलिटी 3 हो गया, तो 150 हो गया, 4 हो गया, 200 हो गया, तो वो बोल रहे थे गिरिजी साहब नहीं क्या आप ये सब किए हैं तो रिस्क कम होगा, इसको हम 350 से 200 कर दे, 150 कर दे, ये खाली अपना सेटिस्फेक्शन, आपने और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, मेन है प्रिकॉशन आपको लेना है, उसको कंटिन्यूअसली फॉलोअप करना है, मेन वही चीज है, आप रिस्क 350 से 200 कर दीजिए, उससे कुछ नहीं पड़ेगा, नंबर कम नहीं करने बोल रहे हैं, पर बात समझिए, चूंकि यही बात पर 5 बार आपका क्लास हो चुका है, डीडी जी भी यही बोले, डीएमएस भी आपको साहू साहब यही बोले, उसके पहले मैं इसको चूंकि मैं भी क्लास किया हूँ कहीं पर, तो मैं भी यही बात बोला हूँ, और ये ओसीपी में भी है, केवल आपकी का नहीं है, ओसीपी में भी सारा कुछ आया, तो वहां पर भी इसी तरह ब्लास्टिंग दिया, तो सीधे ब्लास्टिंग में कर दिया 350, भाई ब्लास्टिंग में आपको 350 कब था, नहीं होगा। अच्छा एक और मजेदार चीज सुनो, जरूर से और एक मजेदार चीज को सुनाते हैं, देखो देखो, एक है प्रोबेबिलिटी फ्रीक्वेंसी एंड देन कंसीक्वेंस, ठीक है यही है ना, इसमें कितना हो तुम 10 लगा लो, इसमें कितना हो 5 लगा लो, इसमें अगर 0 है तो सब मल्टीप्लीकेशन इज 0, समझ गया, इसलिए अगर एक भी चीज तुम पूरा कॉम्प्लाई कर देते हो तो पूरा करने से 0 आ रहा है, इसीलिए तुमको अभी भी बचा हुआ, अभी तक नहीं हुआ, बिकॉज बेसिकली एक्चुअली नियर टू 0 हो गया, लेकिन तुम 0 लिख नहीं सकते, बिकॉज आप लिख नहीं सकते, इसलिए कि सम अनप्रोबेबल थिंग्स मे हैपन व्हिच इज योर बियॉन्ड योर कंट्रोल, अगर भूकंप हो जाए क्या कर सकता, उसका अलग केस हो गया, तो इसीलिए उसको तुम नहीं बता सकते, इसलिए नेचुरल कैलेमिटी को हटा दीजिए, लेकिन जो आपका प्रिवेलिंग 3rd डिग्री माइंड है, तो 3rd डिग्री माइंड के अनुसार क्या क्या किए हैं, तो आप नहीं किए हैं तो सीधे बोलेगा आपको ठीक है डीडी जी बोला, इसका मतलब 7 साल में आपने कुछ नहीं किया, अरे डिग्री 3 माइंड में जो जो प्रिकॉशन लिखा है अगर तुम सब प्रिकॉशन कर लिया तो बेसिकली यू आर नियर टू 0, बस प्रोबेबिलिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी कम हो गया, प्रोबेबिलिटी कम तो 1 तो 0 हो गया, तो ऑटोमेटिक सब चीज गुना 0 हो जाएगा, 0 नहीं होगा तो कम होगा, हां इसलिए आप उसको ठीक है, लेकिन वही प्रोबेबिलिटी 15 मिनट में चेंज हो जाएगा, हां ये भी सोचिए ब्लास्टिंग नहीं है, कोई साइड फॉल नहीं है, प्रोबेबिलिटी जो हम कम कर रहे हैं, जो प्रोबेबिलिटी मेरा कम हो गया 10 मिनट में प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगा, 10 मिनट में गैस आ गया अचानक चेंज हो गया, सुदाम्नि में हम था, सुदाम्नि में स्टॉपिंग के पीछे 100% डिसीजन, 100% काम करने में तो सेटिस्फेक्शन है कि हाँ काम कर दिए प्रोबेबिलिटी, इसका इसीलिए बोलते हैं कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, कंटिन्यूअस क्यों बोल देता है, एक मिनट गैस का बात, एक मिनट गैस का, बाकी सारा चीज हम कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, बाकी जो प्रिंसिपल आचार्य साहब रूप पॉल है ये है हम काम कर सकते हैं आराम से, लेकिन गैस का बारे में बताओ, बताओ साइकोलॉजिकल इफेक्ट, लो 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 ये मैं लो लो इसको दो माइक दो, सुना दे बच्चा लड़का है, इसको बुद्धि है कुछ, देखो क्या होता है